नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट लर्निंग सीखने वाले हैं फिलिप फिशर की बुक से, दैट इज़ कॉमन स्टॉक्स एंड अनकॉमन प्रॉफिट्स। तो काफ़ी अच्छी बुक है और इसमें हमें काफ़ी सीखने को मिलता है, और इन लर्निंग्स को अगर हम लोग स्टॉक मार्केट में लगाएं तो हम किस तरीके से कंसिस्टेंटली जो है मार्केट में बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। इनफैक्ट सभी इन्वेस्टर को जो कि लॉन्ग टर्म में देख रहे हैं कि वेल्थ बनाने के लिए मार्केट में, वो उनको यही फॉलो करना चाहिए। और आप जो है लगभग अगर आप 20% 25-26% तक मार्केट से पैसा कमा लेते हैं साल दर साल एवरेज, तो आप सोचिए कि आप मार्केट में बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ये सब काम करने के लिए आपको क्या करना होता है, तो इसके बारे में बात हो रही है। देखिए आजकल क्या है, बहुत लोगों को लगता है कि मैं जल्दी से डबल कर लूँ पैसा, ट्रिपल कर लूँ, ठीक है, जो कि ठीक है, आप कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कंसिस्टेंटली आपको थोड़ा सा जो है प्रॉफिट की तरफ कम सोचना होता है और ज़्यादा आपको रिस्क मैनेजमेंट की तरफ सोचना होता है। तो ये नज़रिया आप रख के अगर जो है मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो ज़्यादा दिन तक आप मार्केट में टिक पाएंगे और लगातार जो है आप कुछ एक प्रोसेसेस को यूज़ करके प्रॉफिट कमा पाएंगे। तो आज यही बातें हम लोग समझेंगे कि फिलिप फिशर की बुक में ऐसा क्या बताया गया है जो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो देखिए बुक लिखी गई इस तरीके से कि इसको फंड मैनेजर्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जैसे कि पहली जो बात, लगभग आप कोई भी इंटरव्यू अगर देखेंगे तो किसी भी इन्वेस्टर का, तो यही बात वो लोग बोलते हैं कि फोकस ऑन बिजनेस क्वालिटी। आप कोई भी रैंडम बस बिजनेस मत जाके उठा लीजिए कि बस केवल चार्ट देख के आपने जाके बिजनेस को उठा लिया और आप उस बिजनेस के बारे में जानते ही नहीं। तो बिजनेस क्वालिटी बहुत ही बढ़िया होनी चाहिए। तो कोर आइडिया है कि हमें ऐसी कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना है जिनमें सस्टेनेबल कम्पिटेटिव एडवांटेज होना चाहिए। कम्पिटेटिव एडवांटेज का मतलब ऐसा चीज़ है कि वो जो काम कर सकते हैं वो दूसरे काम बहुत आसानी से नहीं कर सकता। जैसे कि अगर हम लोग US की बात करें तो कोक कंपनी है, कोक कंपनी को के पास इतना ज़बरदस्त कम्पिटेटिव एडवांटेज है कि बहुत आसान नहीं होगा किसी भी नई ड्रिंक वाली सॉफ्ट ड्रिंक वाली कंपनी को आके कोक को हटा पाना। उसका ब्रांड वैल्यू इतना बड़ा है कि उसको वहाँ से हिला पाना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। उनको जो कॉस्टिंग वगैरह है, उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह है, उसको आप कोई नई कंपनी जल्दी से आके जो है उनको बीट नहीं कर सकती है उनके बिजनेस में। तो इस तरीके के कम्पिटेटिव एडवांटेजेस, जैसे अगर हम लोग इंडिया में देखें तो L&T वगैरह का बिजनेस है या अदानी इंटरप्राइजेस के जो बिजनेसेस हैं, जिस तरीके से वो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के प्रोजेक्ट्स को मैनेज करते हैं, तो इम्पॉसिबल है किसी भी दूसरे बिजनेस को आके उनके बिजनेसेस में बहुत आसानी से अपना मार्केट शेयर इंक्रीज कर पाना। तो सस्टेनेबल तरीके से उन लोगों ने अपने कम्पिटेटिव एडवांटेजेस को बनाया है। तो इस तरीके के बिजनेस हमें देखने होते हैं जहाँ पे कि कम्पिटेटिव एडवांटेज हो, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट हो और जो है कल्चर ऑफ इनोवेशन हो, यानी कि नए नए टेक्नोलॉजी को हमेशा जो है अपनाते रहें और हमेशा कम्पिटेटिव एडवांटेज बनाए रखें मार्केट के अंदर। तो आपको क्या पता चलता है कि आपको सॉलिड कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना है और शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स या फैट्स, जैसे आप रेलवे स्टॉक्स के बारे में नहीं जानते हैं तो ज़रूरी नहीं कि सब लोग रेलवे स्टॉक्स के बारे में बात कर रहे हैं तो आप भी जाके वहाँ पे इन्वेस्ट कर दें। अगर आपको डिफेंस स्टॉक्स के बारे में नॉलेज नहीं है, आपका कंपिटेटिव सर्कल नहीं है वहाँ पे, आप समझते नहीं हो उस बिज़नेस को, तो देर इज़ नो नीड कि आप जो है डिफेंस में जाकर ही पैसे बनाएं, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म में चलने वाले स्टॉक्स में आपको इसलिए नहीं जाना है कि वहाँ सब लोग इस समय पैसे बना रहे हैं, आपको एक प्रॉपर फ्रेमवर्क में रहकर काम करने की कोशिश करनी है। तो आपको ऐसे बिजनेसेस में काम करना है जिनका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड हो, जिनके मैनेजमेंट ने बहुत सारे जो है अप्स एंड डाउन्स देखे हों, ठीक है, जहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी आपको दिख रही हो, ग्रोथ आपको समझ में आ रहा हो, वैसे बिजनेसेस में जाके आपको इन्वेस्ट करना है। जैसे कि HDFC बैंक आज बहुत ही बड़ा बैंक बन चुका है और उसका मार्केट कैप भी इतना हाई हो चुका है। अगर किसी ने
ये बात समझ ली होती है HDFC बैंक के बारे में आज से 15-20 साल पहले या 10 साल पहले भी, तो सोचिए कि उसने कितना पैसा HDFC बैंक से बनाया होगा। क्योंकि जब आपको पता है कि सॉलिड मैनेजमेंट है तो आप वहाँ पे 10-20 हज़ार रुपये नहीं लगाते हैं, आप वहाँ पे काफ़ी पैसा लगा सकते हैं। तो ज़्यादा पैसा लगाने पे कंसिस्टेंटली अगर वो ग्रो करेगा तो आप ज़्यादा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। आपको भरोसा होना चाहिए कंपनी की काबिलियत पे। तो ये चीज़ आपको HDFC बैंक में देखने को मिलती है। सो HDFC बैंक का एग्जांपल यहाँ पे लिया गया है कि स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट, सॉलिड बैलेंस शीट, फोकस ऑन इनोवेशन एंड डिजिटल बैंकिंग, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, लॉन्ग टर्म ग्रोथ है इस कंपनी के पास, स्टेबल परफॉर्मेंस है और इसीलिए ये इन्वेस्टर्स का काफ़ी फेवरेट बना हुआ है, ठीक है। आजकल आपने देखा होगा कि HDFC बैंक और HDFC का जब से जो है दोनों को कंबाइन किया गया है, मर्जर हुआ है, तब से थोड़ी प्रॉब्लम देखने को मिली है, लेकिन वो शॉर्ट टर्म है। लेकिन मैं आपको पास्ट रिकॉर्ड के बारे में यहाँ पे बता रहा हूँ कि किस तरीके से ये कंपनी इतनी बड़ी बन गई, बैंक इतना बड़ा कैसे बन गया। तो उसके पीछे यही सारी बातें, कंपिटेटिव एडवांटेज, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट एंड कल्चर ऑफ इनोवेशन। अब देखिए, आपको थॉरो रिसर्च भी करनी होती है किसी भी कंपनी में जब आप उसको बाय करते। देखिए, आपको स्टॉक नहीं बाय कर रहे होते, आपको ऐसा सोचना होता है कि आप जैसे कि बिजनेस को बाय करने जा रहे हैं, तो आपको अच्छे से उसमें समझना पड़ता है, उसके मैनेजमेंट को समझना पड़ता है। कैसे समझेंगे आप, कौन कॉल पढ़कर, कई बार टीवी में आप उनके इंटरव्यूज़ भी देखते हैं तो वो देखने होते हैं। आपको कस्टमर एक्सपीरियंसेस को भी समझना पड़ता है कि इस कंपनी के कस्टमर्स क्या बोल रहे हैं इसके बारे में, क्या इसके जो कस्टमर्स हैं क्या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप इसके साथ बना के रख पा रहे हैं कि नहीं पा रहे। सप्लायर्स क्या लगातार बदल रहे हैं कि वही पुराने सप्लायर्स बहुत सालों से इनके लिए काम कर रहे हैं। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि मैनेजमेंट किस तरीके का है। तो केवल आप क्वार्टर टू क्वार्टर देख कर कि इस क्वार्टर में इतना प्रॉफिट हो गया, अरे क्वार्टर इस क्वार्टर में जो है बिजनेस गड़बड़ हो गया, चलो बेच देते हैं, या मार्केट हाइप किसी चीज़ की बनी हुई है उसको देख के आप इन्वेस्ट करते हो, तो उसी पे केवल आपको रिलाई नहीं करना होता। हाँ, एक आपको आइडिया मिलता रहता है क्वार्टरली रिजल्ट देख के कि बिज़नेस सही दिशा में चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और कुछ भी होने से पहले आपको मैनेजमेंट बता देता है, तो आप जो है समझ सकते हो कि आगे कितना प्रॉब्लम है। तो आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट रहता है जब आप रिजल्ट्स वगैरह लगातार देखते रहते हो। तो डेवलप अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंपनीज प्रोडक्ट्स। आपने देखा होगा कि मैंने कॉन कॉल एनालिसिस भी 2-3 कंपनी की है, जिससे कि आपको आइडिया लगे कि कहाँ देखकर आपको कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में पता चलता है, इंडस्ट्री के बारे में कैसे पता चलता है, या कंपिटेटिव लैंडस्केप कैसा है कि उनके कंपटीटर्स कैसा कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप कॉन कॉल से या उनकी जो एनुअल रिपोर्ट्स होती हैं या फिर जो है आप उनके प्रेजेंटेशंस वगैरह को देख सकते हैं, या वेबसाइट्स में भी जाके आप पता कर सकते हैं। तो ये सारी बातें जानकर आपका जो कन्विक्शन होता है उस स्टॉक में बढ़ जाता है। तो ये दूसरे पॉइंट के बारे में हम लोग इस समय बात कर रहे हैं। अब अगर हम लोग बात करें, जैसे एग्जांपल है इन्फोसिस, तो इन्फोसिस कितने सालों से यहाँ पे बिजनेस कर रहा है। तो अभी कुछ दिन पहले आपने देखा था इन्फोसिस लगभग 30-35% डाउन था। तो जिसको भी भरोसा रहा होगा इन्फोसिस की कैपेबिलिटी में, उसने नीचे इन्फोसिस को लिया होगा और आज वो लगभग ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंचने वाला है। तो जिसको भरोसा रहता है तो वो जब बुरा फेज़ आता है उस कंपनी का तो उसको बाय कर लेता है, क्योंकि उसको पता है कि मैनेजमेंट इसका स्ट्रॉन्ग है, इसका क्लाइंट बेस अच्छा है, तो ये आगे जाके अच्छा ही करेगा। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं हमें शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छे से पैसे को बनाने का, जब हम उस कंपनी के बारे में अच्छे से जानते रहते हैं। तो इन्फोसिस के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा बात हम लोग कर रहे हैं कि इन्फोसिस अ कंपनी वेयर थॉरो रिसर्च इनटू इट्स क्लाइंट बेस। अगर आप थोड़ा सा रिसर्च कर लें कि क्लाइंट बेस कैसा है, ग्लोबल रीच कहाँ, कितने जो है कंट्रीज़ में वो काम करती है, मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस क्या है, तो आपको काफ़ी पहले इन्फोसिस जब बहुत बड़ा नहीं हुआ था, जब इतना जायंट वो नहीं IT कंपनी बनी थी, तो बहुत पहले ही यानी कि 2000 में ही आपको इन्फोसिस के बारे में पता चल जाता और आप सोचिए कितना यहाँ पे वेल्थ क्रिएट कर सकते थे।
तो इसलिए बहुत थॉरो रिसर्च करने की ज़रूरत होती है, बिज़नेस क्वालिटी को समझने की ज़रूरत होती है। और तीसरा पॉइंट आता है ग्रोथ पोटेंशियल का। आपको ऐसी कंपनीज़ को देखना है जो कि डेड ना हो चुकी हों। कोई ऐसा बिज़नेस नहीं लेना है कि वो बिज़नेस इस समय चलता ही नहीं है। जैसे कि आप साइकिल बनाने का बिज़नेस सोचिए, इस समय ले लें, यानी एटलस A1 टाइप की जो साइकिल्स हैं, आप उनमें पता चल रहा है कि आप इन्वेस्ट कर रहे हो। आप कोई कंपनी जो है मोज़र बेयर टाइप की है, जो कि CD डिस्क बना रही है, आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि फ्यूचर वाले कौन से बिजनेसेस हैं, कहाँ पे जो है अर्निंग्स की संभावनाएं हैं, और कौन से ऐसे बिजनेस हैं जो लगातार जो है लॉन्ग टर्म में अपने मार्केट शेयर को बढ़ाते जा रहे हैं अपने कंपिटिटिव एडवांटेज की वजह से। तो हमें क्या करना है, लुक फॉर द कंपनीज विद द पोटेंशियल टू ग्रो दे अर्निंग्स इन मार्केट शेयर ओवर द लॉन्ग टर्म। तो आपको केवल करेंट अर्निंग्स के बेसिस पे ही अवॉइड करना है स्टॉक्स को, आपको उनके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स देखने हैं। आप पास्ट में क्या हुआ है, देखिए पास्ट देखकर आप फ्यूचर पे पैसा नहीं बना सकते हैं, क्योंकि स्टॉक्स का जो वैल्यूएशन है दैट इज़ ऑल बेस्ड ऑन फ्यूचर अर्निंग्स। तो फोकस करना है हमें बिजनेस ऐसे बिजनेसेस में जिनके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे हैं और कंपनी जो है इनोवेट कर पाएगी और बदलते हुए जो समय के साथ वो अपने आप को अडैप्ट कर पाएगी, ऐसी कंपनीज़ में आपको इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें एशियन पेंट्स की, तो ये एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रहा है। आजकल आपने देखा होगा कि ग्रासिम की एंट्री की वजह से थोड़ा सा आपको ये नीचे मिल रहा है, इसका वैल्यूएशन वगैरह भी डाउन है। तो आपको अगर एशियन पेंट्स के बारे में पता है, आपको उस पर भरोसा है, तो मे बी ये अच्छा टाइम हो सकता है यहाँ पर इन्वेस्ट करने का। तो एशियन पेंट हैज़ बीन अ कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, लिवरेजिंग इज स्ट्रॉन्ग ब्रांड एंड एक्सटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क टू कैप्चर मार्केट शेयर। तो लगातार आपने देखा है कि एशियन पेंट्स ने अपने मार्केट शेयर को बचा के रखा है और इस समय मार्केट शेयर को जो है वो खोना नहीं चाहता है। इसलिए आपने देखा होगा कि उसने जो है अपने भी प्राइसेस को, बिकॉज ग्रासिम की एंट्री जब हुई तो ग्रासिम ने क्या किया, 20% से अपने जो है प्रोडक्ट के प्राइसेस को डाउन कर दिया है। तो एशियन पेंट्स को भी थोड़ा अपने मार्जिन को जो है कम करना पड़ा है, क्योंकि देखिए मार्केट शेयर को बचा पाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्रॉफिट तो आ ही जाएगा। अगर मार्केट शेयर एक बार आपके हाथ से चला गया तो फिर दोबारा मार्केट शेयर को रिगेन करना, कस्टमर को रिगेन करना बहुत ही प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। तो जब आप बिज़नेस को समझोगे, आप देखोगे कि भाई कंपनी का वैल्यूएशन इस समय क्यों लो है, क्या सब कुछ प्राइस इन है, तो फिर आपको समझ में आएगा कि इस समय मुझे और पैसा इस बिज़नेस में लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। तो अर्ली इन्वेस्टर जिनको पोटेंशियल दिखा है इस कंपनी की ग्रोथ में, डेकोरेटिव पेंट के सेगमेंट में, उन्हें काफ़ी पैसा बना के एशियन पेंट्स ने दिया है। तो ये हो गया हमारा तीसरा पॉइंट। अब चौथी बात, अगर चौथे पॉइंट के बारे में हम लोग बात करें, तो पेशेंट, आपको पेशेंस दिखाना होता है और ओवर रिएक्शन दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। कि आपने जैसे, अगर मान लीजिए, अगर हम लोग कुछ दिन पहले की बात बताएं कि पॉलीकैब से रिगार्डिंग एक न्यूज़ आई थी कि टैक्स इवेजन को लेकर, और स्टॉक जो है फटाफट 20% जो है क्रैश कर जाता है, तो बहुत लोग ओवर रिएक्शन करके जो है कंपनी को सेल आउट कर देते हैं, बोल देते हैं कि मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। जबकि आप नहीं जानते हो कि मार्केट में कैसे कैसे लोग हैं, किस तरीके की न्यूज़ फैला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए आपको बहुत ही पेशेंट रहना है, आपको पेशेंस दिखाना होता है, और ऐसे सिनेरियो में ओवर रिएक्शन नहीं दिखाना होता है, चीज़ों को समझने की ज़रूरत होती है। तो डिसिप्लिन्ड होना, इम्पल्सिव बाइंग और सेलिंग, शॉर्ट टर्म मार्केट की फ्लैक्चुएशन से, किसी ने कहा कि जो है आगे ये वार हो जाएगा या कुछ भी हो जाएगा, मार्केट यहाँ से 10% क्रैश कर सकता है, ये टेक्निकल इंडिकेटर ये दे रहा है, ऐसा करके आप जो है ज़्यादा वेल्थ नहीं बना पाओगे। तो आपको डिसिप्लिन्ड होने की ज़रूरत है और आलतू फालतू की बाइंग एंड सेलिंग नहीं करनी है शॉर्ट टर्म में मार्केट में वोलेटिलिटी को देखकर। तो यहाँ पे ये बात बताई गई है, इन्वेस्ट फॉर द लॉन्ग टर्म एंड फोकस ऑन द फंडामेंटल्स ऑफ द बिजनेस रैदर देन डेली प्राइस के मूवमेंट को देखकर। तो प्राइसेस के फ्लक्चुएशंस को देख के आपको काम नहीं करना है, आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचना है और कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में लगातार रिसर्च करते रहना है।
अब जैसे कि एग्जांपल अगर हम लोग लें तो ड्यूरिंग मार्केट करेक्शन मैनी इन्वेस्टर्स पैनिक एंड सोल्ड देयर होल्डिंग इन रिलायंस इंडस्ट्रीज। हाउएवर दोज हु अंडरस्टूड द कंपनीज फंडामेंटल्स एंड हेल्ड ऑन थ्रू वोलेटिलिटी हैव सीन सब्सटेंशियल रिटर्न्स पर्टिकुलरली विद इट्स स्ट्रैटेजिक पिवट्स टूवर्ड्स डिजिटल एंड रिटेल। तो बीच में क्या हुआ था, रिलायंस काफ़ी दिन तक नहीं चला और बहुत सारे जो है इन्वेस्टर्स पैनिक हो गए। फिर आपने देखा कि रिलायंस ने जैसे ही जो है रिलायंस ने जब इन्वेस्ट किया टेलीकम्युनिकेशंस में और रिटेल में, तो रिलायंस के स्टॉक कितनी तेज़ी से बढ़ गया और आज आपको रिलायंस कितना बड़ा मार्केट कैप वाली कंपनी देखने को मिल रही है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि आपको अंडरस्टैंडिंग बिजनेस की जब रहेगी, उसके फंडामेंटल्स को समझोगे, तो आप जो करेंटली हो रहा है उस नॉइजेस से बचोगे और आपको क्लैरिटी आएगी, तो आप उस बुरे टाइम पे बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हो। सो दैट कि जब फ्यूचर में चीज़ें ठीक होंगी तो आप बहुत अच्छे से जो है वहाँ पे प्रॉफिट को कमा सकते हैं। फिर पांचवा पॉइंट आता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। लगातार आपने देखा होगा कि मैं ऐसे स्टॉक्स की बात करता हूँ जो ऑलरेडी ऊपर से काफ़ी करेक्टेड रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे उन बिजनेसेस में मार्जिन ऑफ सेफ्टी रहता है। लगभग अगर 20% कोई स्टॉक ऊपर से क्रैश हो चुका तो ऑलरेडी वो करेक्टेड है, तो अगर और वो 20-25% गिरता है और आपको बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग है, आपको प्रॉपरली पता है, तो आप जो है धीरे धीरे SIP मोड में उस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं आफ्टर यू थॉरो रिसर्च जो हम लोगों ने बात की। तो हमेशा आपको ऐसा नहीं करना है कि आपको ऊपर एकदम ऊपर जाके स्टॉक को लेना है कि क्योंकि फोमो में आके या किसी भी कारण से कि सबको आप देख रहे हैं कि वो कर रहे हैं तो आपको लगेगा मैं ही छूट जाऊंगा, मैं ही बस पैसा नहीं बना पाऊंगा, तो इन सब चीज़ों से आपको बचना है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का ये मतलब, अभी मैं कुछ एग्जांपल्स भी आपको दिखाऊंगा कि अगर आप जो है अच्छे तरीके से और एक पेशेंट इन्वेस्टर के तरीके से पेशेंस दिखाते हुए मार्केट में इन्वेस्ट करें तो किस तरीके से आप बड़े पैसे जो है बना सकते हैं। आपको कभी कभी ही मार्केट मौका देता है बहुत अच्छे से पैसे लगाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे बिजनेसेस हैं तो सबकी बिजनेस साइकिल्स चलती रहती हैं, तो उन बिजनेस साइकिल्स को समझ के कि कहाँ पे इस समय आपको आज जो है प्रॉब्लम्स दिख रही हैं और आप उस बिज़नेस को समझते हैं, आप मैनेजमेंट को जानते हैं, तो आपको पता है कि आने वाले समय में यहाँ से टर्न अराउंड हो जाएगा, तो वैसे में बहुत पैसा मार्केट में बनता है। तो वो अल्टीमेट एम होना चाहिए आपको, ये सारी चीज़ें आपको सीखनी चाहिए, तब जाकर आप जो है मार्केट में बहुत अच्छे से पैसा कमा पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए कि बाइंग स्टॉक एट अ प्राइस दैट ऑफर्स अ सिग्निफिकेंट मार्जिन ऑफ सेफ्टी बिटवीन द परचेज प्राइस एंड द इंट्रेंसिक वैल्यू ऑफ द बिजनेस, दिस हेल्प्स प्रोटेक्ट योर इन्वेस्टमेंट अगेंस्ट पोटेंशियल डाउन ट्रेंड्स एंड रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ परमानेंट कैपिटल लॉस। तो समझ में आया, तो पहले से ही स्टॉक थोड़ा सा गिरा रहता है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी रहती है, तो आप अच्छे से फिर जो है आप डरते नहीं हैं, आपको पता है कि अब यहाँ से बहुत कम ही स्टॉक गिर सकता है, सपोर्ट वगैरह के आसपास जब आप जो है स्टॉक को लेते हैं तो आपको पता रहता है कि हो सकता है कि यहाँ काफ़ी दिन तक ये स्टॉक जो है कंसोलिडेट करे, और वहाँ पे आप SIP मोड में उसमें लगातार पैसे लगाते जा सकते हैं। जैसे कि ITC को आपने देखा होगा कि बहुत दिन तक ITC में पैसे नहीं बन रहे थे, तो उसका वैल्यूएशन बहुत ही कम था, फिर एकदम से कुछ ही दिन में आपने देखा ITC ने पैसे को डबल कर दिया। तो ऐसा होता रहता है, जैसे ITC हैज़ ऑफन ट्रेडेड एट वैल्यूएशन दैट प्रोवाइड्स डेड अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी स्पेशली ड्यूरिंग पीरियड ऑफ रेगुलेटरी चैलेंजेस। इन्वेस्टर्स हु बॉट ITC ड्यूरिंग सच टाइम्स ऑफ अनसर्टेनिटी हैव बेनिफिटेड फ्रॉम इट्स स्ट्रॉन्ग कैश फ्लोज एंड डाइवर्सिफाइड बिजनेस मॉडल्स। तो कुछ एडिशनल इनसाइट्स भी यहाँ पे बताई गई हैं। आप डीलर डिस्ट्रीब्यूटर और इन देखिए कुछ बातें यहाँ पर जो है वो बड़े बड़े फंड मैनेजर्स के बारे में भी है जिन बहुत ज़्यादा जो पैसा मैनेज करते हैं, तो उनके बारे में भी यहाँ पे बोला गया कि भाई आप थोड़ा डीलर से मिलो, डिस्ट्रीब्यूटर से मिलो, इंडस्ट्री के इनसाइडर से मिलो, वहाँ से वैल्यूबल इनसाइट्स वगैरह पता करो। जैसे कि FMCG और रियल इस्टेट की जो कंपनीज होती हैं तो उनका आप अच्छे से समझ सकते हो कि सच में उनके प्रोडक्ट्स चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, क्या कस्टमर का फीडबैक है, ये सब करके आपको अच्छे से फिर पैसे बना सकते हैं। आपको देखिए ओवर डाइवर्सिफाई भी नहीं करना है कि आप बहुत सारी कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहे हो, इससे क्या होता है कि आपके बहुत अच्छे रिटर्न बनाने की जो कैपेबिलिटी होती है वो घट जाती है, और आप ज़्यादा डाइवर्सिफाई करते हो तो आप थोड़ा सा बिजनेस में
मैं बोलूँगा कि आप क्वालिटी ऑफ बिजनेसेस को लेने में, क्योंकि आप कुछ भी ले लेते हो तो वो आपकी आदत बन जाती है, लेकिन जब आप कम कंपनीज़ में इन्वेस्ट करते हो तो आप बहुत अच्छे से देख कर ठोक बजा के देखते हो कि भाई हाँ ठीक, मैंने बहुत ही अच्छा स्टॉक लिया है, इसमें बहुत ही कम रिस्क है, तभी आप उसमें इन्वेस्ट करते हो। तो फोकस ऑन फ्यू वेल रिसर्च कंपनीज रैदर देन स्प्रेडिंग इन्वेस्टमेंट टू थिन। फॉर एग्जाम्पल कंसेंट्रेशन ऑन फ्यू हाई क्वालिटी स्टॉक्स इन द लाइक टीसीएस और हैज बीन ऑफन मोर इफेक्टिव देन होल्डिंग अ लार्ज नंबर ऑफ एवरेज परफॉर्मिंग स्टॉक्स। ठीक है, तो समझ में आए बात कि आप कुछ अच्छी कंपनी लेकर जब बैठते हो तो क्या होता है, बहुत सारे नॉन परफॉर्मिंग एवरेज परफॉर्मिंग कंपनीज ले लेते हो, तो कुछ पीरियड में तो वो बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन भी बहुत सारा लॉन्ग पीरियड में आप देखोगे कि वो आपके लिए अच्छा पैसा बना के नहीं देते हैं। तो अवॉइड करना है आपको ओवर डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन रखना है, लेकिन बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन इज़ गोइंग टू हर्ट यू। थिंक लॉन्ग टर्म, फिशर अप्रोच टू बिल्डिंग वेल्थ ओवर डिकेड्स इज पर्टिकुलरली रिलेवेंट इन द इंडियन मार्केट वेयर बिजनेसेस लाइक बजाज फाइनेंस हैव रिवॉर्डेड पेशेंट इन्वेस्टर विद एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ओवर टाइम। तो अभी भी बजाज फाइनेंस वगैरह अगर हम लोग देखें तो अभी भी आपको काफ़ी दिनों से आपके पेशेंस को चेक कर रहा है, लेकिन एक बार अगर इसने अच्छा आपको फिर से रिटर्न बनाने की क्षमता रखता है, क्योंकि आपको पता है कि इसका मैनेजमेंट वगैरह काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और बिज़नेस परफॉर्मेंस कोई खास इतना गड़बड़ नहीं हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं। देखिए यहाँ पे कुछ नाम हम लोगों ने स्टॉक्स के लिए होंगे, तो आप जो है ऐसा मत करिएगा कि उनको आप तुरंत ख़रीद लीजिए, ठीक है। आप अपना थॉरो रिसर्च एंड कंसल्ट करें अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बिफोर टेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। अब मैं जैसे इन्हीं सारी चीज़ों को कुछ एग्जांपल्स की हम लोग बात करेंगे, तो वहाँ पर फिर हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से इन्वेस्टमेंट किया जाता है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे कंपनी आपको दिखा रहा हूँ, काफ़ी लॉन्ग टर्म से अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो चोला फाइनेंस है। आप देखिए कि किस तरीके से कंपनी लगातार जो है कितना रिटर्न यहाँ पे बना के आपको दे रही है, तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखेंगे कि जब जब ये, मैंने डेली यहाँ पे लगा के रखा है, तो जब जब ये 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे आती है, अभी रिसेंटली आप देखें कि ये अप्रैल में ही है ना, 2024 जैन और अप्रैल के बीच में ही ये 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे थी। अब सोचिए अगर आपने वहाँ से बाय किया होता तो आज आप कितना पैसा यहाँ पर बना सकते थे शॉर्ट टर्म में। इसके पहले आप देखिए कि आपने अगर इन्वेस्ट किया होता 2023 में भी, तो कभी कभी मौके मिलते हैं, 2023 में आपको मौका मिला था इस 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे। तो इस तरीके की चीज़ें आपको बिज़नेस पता है और आप लगातार उनको ट्रैक कर रहे हैं और ये मौके आते हैं तो आप वहाँ पे पैसे लगा देते हैं, तो वहाँ से आपको पता है कि फ्यूचर में बहुत अच्छे पैसे बनने की संभावनाएँ हैं, तो आप घबराते नहीं। अब जैसे यहाँ देख लीजिए आप, ये मौका आपको मिला, तो बहुत बार बीच बीच में आपको मौका मिलता है, यहाँ तो बहुत ही तगड़ा मौका मिल गया सभी को, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि लगातार आपको ऐसे अच्छे बिजनेसेस में मौके भी मिलते हैं और आप ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप पैसे भी कमा सकते हैं। जैसे कि अभी हम लोग एक वेक्टर फूड को देखें, तो आज ही देखें यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, वॉल्यूम तो बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहे हैं, तो अगर आप देखें तो यहाँ पर भी देखें कि किस तरीके से अभी ये कब ये 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे था, तो उस समय इसको बाय करने की अपॉर्चुनिटी थी, यही अप्रैल मई वगैरह के टाइम पे देखिए स्टॉक कहाँ था और अभी कहाँ पे पहुँच गया। इसके पहले देखिए आप अगर ये ट्रेंड देखेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे, जब ऐसा होगा तो आप घबराएंगे नहीं अगर आप बिजनेसेस को स्टडी कर रहे होंगे। इसके पहले आप देखिए आपको यहाँ कितने दिन तक आपको यहाँ मौका मिला। अब सोचिए किसी ने अगर ये 300 के आसपास यहाँ पर बाइक करा होता, 300-400 की रेंज में, और उसको पता होता कि भाई वेक्टर फूड क्या करता है, उसके क्या फ्यूचर में क्या करने वाला है, तो सोचिए वो कितना पैसा बना लेता कि नहीं। अब इसी तरीके से हम लोग डिक्सन भी देख लेते हैं, तो डिक्सन की अगर हम लोग बात करें तो आप देखिए कि इसने भी आपको मौका दिया था, कितने दिन तक मौका दिया इसने, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितने दिन तक ये नीचे था स्टॉक 2022 से लेकर पूरे 2023 तक। ऐसा नहीं कि पहले इसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, लेकिन यहाँ पे जब ये नीचे आया तो उस समय इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत थी। अब इस समय देखिए कैसे जा रहा है, वो रॉकेट के तरीके से ऊपर जा रहा है लगातार। अब सोचिए यहाँ पर जब आप इस समय इन्वेस्ट करोगे तो फिर
आप खुद सोचो कि आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी ही नहीं रहेगा। तो आपको ऐसे मौके तलाशने होंगे, जैसे बीएससी देखिए कि अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले ही ये देखिए 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे आया था, तो इसने काफ़ी समय दिया आपको कि बाय करिए बाय करिए। अब देखिए ऊपर चल निकला है। अब इसके पहले देखिए कितने दिन तक इसने मौका ही नहीं दिया। अब इसके पहले देखिए कितना मौका इसने दिया था। अब सोचिए यहाँ कोई 500 के आसपास स्टॉक को लेता 500 600 700 की रेंज में तो पैसे तो बनते ही ना। देखिए 2700 2800 के रेंज में आज स्टॉक है, तो 500 600 के बाद अब मौका मिल रहा है तो 3-4 गुना पैसा कर सकते हैं। एंजल वन देखिए आज भी अभी रिसेंटली अभी तक गिरा ही हुआ था, हम लोगों ने बात की थी यहाँ पे, देखिए कितने दिन तक जो है ये 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे है। तो बिज़नेस आपको पता है कि ग्रो कर रहा है, सब कुछ आपको पता है, शॉर्ट टर्म के चैलेंजेस आते रहेंगे, तो ये सब चीज़ें आप देखिए कि यहाँ पर कितना वॉल्यूम्स बढ़े हैं और फिर आप इन्जॉय कर सकते हैं प्रॉफिट्स को। अभी देखिए इसके पहले भी 2023 में भी देखिए कि मौका मिला था कि नहीं मिला था, उसके पहले देखिए 2022 में मौका मिला। तो लगातार ऐसी चीज़ें इन बिजनेसेस के साथ होती रहती हैं, तो आपको अपने आँख कान खोल के देखते रहना है चीज़ों को। KPIT टेक देखिए ज़्यादा मौका ही नहीं दिया, ये देखिए यहाँ पे बस केवल एक दो दिन, आई थिंक जिस दिन रिजल्ट आया था जून में 4 को, उस दिन मौका दिया। अब सोचिए उस दिन आपको बिल्कुल लगे रहना चाहिए था, देखना चाहिए था कि आज मौका है यहाँ पे, चलिए इन्वेस्ट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ से अगर ब्रेकआउट होगा तो कितने लोग कूद पड़ेंगे, क्योंकि उनको जल्दी पैसा कमाना है। आपको ज़्यादा पैसा कमाना है तो आपको ऐसे पेशेंटली वॉच करना है कि कब मेरा मौका आएगा तो मैं स्टॉक के अंदर। जैसे बजाज फाइनेंस है यहाँ पे देखिए, मैंने वीकली यहाँ पे लगाया क्योंकि बहुत ही पुरानी कंपनी है, तो देखिए वीकली में आप देखिए कभी कभी मौका मिलता है आपको 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे जाने पे। लास्ट टाइम 2020 में कोरोना के टाइम पे मौका मिला है और अब मिल रहा है आपको मौका, देख रहे हैं आप, इस समय आपको मौका मिल रहा है 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे। तो क्या आपको लगता है कि ये सस्टेन करेगा यहाँ पे इतने दिन तक? आप देखिए एशियन पेंट्स, तो आई डोंट थिंक कि कब मौका दिया इसने, यहाँ मौका दिया था, सोचिए यहाँ पर मौका दिया है 2009 में 70-75 के रुपए के आसपास इसने मौका दिया है जब ये 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे गया है, और आज देखिए आज आपको ये मौका दे रहा है। तो अगर आपको कंपनी में भरोसा है तभी तो आप इन्वेस्ट करेंगे उसमें ऐसे सिचुएशंस में, तो उसके लिए आपको बिजनेसेस के बारे में पता होना चाहिए। अब जैसे रिलायंस देखिए, रिलायंस 200 डे मूविंग एवरेज आपको केवल कोरोना में ही दिया है मौका, उसके पहले तो दिया ही नहीं। तो जब आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिले अच्छे बिजनेसेस में, देखिए यहीं की बातें हो रही थी 2016-17 में जो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि इतने दिन तक देखिए 200 डे मूविंग एवरेज की बिज़नेस अच्छा नहीं कर रहा था, और फिर आप देखिए कि यहाँ से जो है कितनी तेज़ी से जो है आज 3000 का हो जाता है स्टॉक। तो अगर आप सोचिए लगातार SIP करते रहते, इतने साल तक इन्वेस्ट करते, तो सारे पैसे आपके लगभग 6 गुना हो जाते। तो इस प्रकार की सोच रखनी है आपको, आपको जो है ज़्यादा पैसे बनाने की सोच जब आप रखेंगे तो आप खुद देखेंगे कि ये सारी लर्निंग्स आपको बहुत हेल्पफुल होने वाली। तो चलिए फिर मिलेंगे हम लोग, आई होप कि आपको बहुत अच्छा ये समझ में आया होगा कि हम लोग लॉन्ग टर्म में किस तरीके से पैसे बना सकते हैं स्टॉक मार्केट में। तो आई होप आप जो है चैनल को लाइक भी कर लीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर आपको ये सारी इनसाइट्स वैल्यूएबल लगती है। थैंक यू।